तो यार जैसा कि सामने आप देख ही सकते हैं R15 V4 वो भी रेड कलर में है। तो आज हम जो इसका रिव्यू करने वाला है, इसकी क्या प्राइस है, फीचर्स, माइलेज वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले यार आप R15 जो है V4 रेड कलर में उसका लुक देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको फुल्ली फेयर्ड यानी कि फुल्ली फेयरिंग ये बाइक मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो ग्राफिक्स मिलते हैं किस तरह से आपको जो है कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ जो है आप देख सकते हैं। लुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी खतरनाक किलर अट्रैक्टिव बहुत ही ज़्यादा प्यारा आपको यहाँ पर लुक मिल जाता है। और रेड कलर में जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन में आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो है ब्लैक एंड येलो का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी जो है बेटर लुक यहाँ पर इससे मिलता है। यानी कि बाइक का लुक जो है यहाँ पर काफ़ी बेटर बन जाता है। तो फ्रंट से यहाँ पर मिल जाता है LED प्रोजेक्टर हेडलाइट विद अट्रैक्टिव गुड लुकिंग DRL। तो यार DRL ऑन होने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा लुक मिलता है बाइक का फ्रंट से, और जब R15 का प्रोजेक्टर हेडलाइट ऑन होता है तब लुक कुछ ऐसा मिल जाता है, काफ़ी खतरनाक लुक मिल जाता है आपको। हेडलाइट से जो है नाइट में परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाता है, लो बीम हाई बीम जो है आपको इसी में मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है हैजार्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि आप अपने R15 V4 के चारों इंडिकेटर्स एक ही बार में यानी कि एक साथ ऑन कर सकते हैं। तो इंडिकेटर से यहाँ पर आपको जो है हेलोजन में मिल जाते हैं, जो कि R15 का लुक थोड़ा सा ख़राब कर ही देते हैं। तो अगर आप चाहे तो एज अ एक्सेसरीज यहाँ पर जो है LED इंडिकेटर्स परचेस कर सकते हैं। तो यार लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको स्विचेस के अगर बात करें तो लो बीम हाई बीम और उसी में जो है आपको पासिंग स्विच भी मिल जाता है, इंडिकेटर स्विच और यहाँ पर आपको जो है हॉर्न स्विच मिल जाता है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर मिलता है किल स्विच प्लस स्टार्ट स्विच और यहाँ पर जो है हैजार्ड का स्विच भी मिल जाता है। तो इस बाइक के जो डिजिटल मीटर में फीचर्स मिलते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर जो आपको स्विच मिल जाता है। तो फ्रंट सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है गोल्डन कलर में USD सस्पेंशन, जो कि बाइक के अट्रैक्टिव लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव इनटू 100 कर देते हैं। फ्रंट टायर साइज आपको यहाँ पर मिल जाता है 100/80। तो ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ड्यूअल डिस्क ब्रेक विद ड्यूअल चैनल ABS। तो जितना बेटर आपको बाइक से जो है परफॉर्मेंस मिलने वाला है उतनी ही ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पर ब्रेकिंग भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है ड्यूअल चैनल ABS। फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल यहाँ पर आपको मिल जाता है। फीचर्स इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि स्पेशली यहाँ पर जो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर्स मिल जाता है। कॉल SMS अगर आपको आते हैं तो उसके जो है आपके मीटर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी फीचर्स की बात करें तो स्पीडोमीटर वगैरह, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ABS लाइट वगैरह, हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, ऊपर आपको जो है RPM मीटर, RPM लाइट। और R15 V4 में आपको यहाँ पर जो है दो मोड भी मिल जाते हैं, राइडिंग मोड, एक स्ट्रीट मोड और दूसरा जो है यहाँ पर आपको ट्रैक मोड भी मिल जाता है। आपको VVA टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर मिल जाती है। गियर पोजीशन इंडिकेटर स्पीड भी जो है आप मीटर में देख सकते हैं, तो टाइम भी आप मीटर में देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल फ्यूल मीटर भी मिल जाता है, एवरेज वगैरह जो है ऐसा है। आपको काफ़ी सारे फीचर्स इस बाइक के मीटर में मिल जाते हैं। तो यार सारे फीचर्स के बारे में अगर डिटेल में बात करनी है तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि फीचर्स जो इसमें काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसा कि आप मीटर कंसोल को देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ड्यूअल हॉर्न मिल जाती है, साउंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। जो कि यार काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। बात तो सही है। तो इंजन और एग्जॉस्ट का साउंड सुनने के बाद जो आपको पता चल ही गया होगा कि इंजन यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड मिल जाता है। तो यार इंजन की अगर बात करें तो इंजन यहाँ पर आपको मिल जाता है 155 cc का लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve यहाँ पर आपको इंजन मिल जाता है, जिससे आपको पावर मिलने वाली है 18.4 PS 10,000 RPM पर। और यहाँ पर आपको मिल जाता है टॉर्क 14.2 Nm 7,500 RPM पर। तो परफॉर्मेंस नो डाउट, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत तो है नहीं है, क्योंकि ये R15 है तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा
खतरनाक बैटरी मिलने वाला है। तो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 लीटर की जो है पेट्रोल कैपेसिटी है, और यहाँ पर जो है पेट्रोल टैंक रेड और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर मिल जाता है। जैसा कि आप लुक जो है पेट्रोल टैंक का देख सकते हैं, काफ़ी जो है आपको मस्कुलर पेट्रोल टैंक मिल जाता है। जैसा कि ये पूरी बाइक ही जो है काफ़ी मस्कुलर है हर एक जगह से, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। माइलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको माइलेज मिल सकता है 45 से 50 के आसपास। अब माइलेज जो है कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल पे और डिपेंड करता है सामने जो आप बाइक देख रहे हैं उस पर भी। वैसे आपको जो है R15 में अच्छा खासा माइलेज तो मिल ही जाएगा। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ जो है फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर बाइक का स्टैंड नीचे बाइक गियर में है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। 6 स्पीड का यहाँ पर गियर बॉक्स मिल जाता है, यानी कि आपको जो है बाइक में मिल जाता है 6 गियर। गियर पैटर्न जो है आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो R15 का जो सीट है और इसकी जो सीटिंग पोजीशन है, तो शायद मेरे हिसाब से इसके बारे में जो है ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत तो है नहीं है। सब कुछ आप जो है देख ही सकते हैं और बाकी सब आपको पता ही है। टेल सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है LED टेल लाइट मिल जाती है, जिसका लुक आप देख सकते हैं। दोनों साइड से आपको यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है नंबर प्लेट लाइट भी मिल जाती है। बैक लुक जो है बाइक का आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जैसा कि आप देख ही सकते हैं। रियर टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रियर टायर साइज़ मिल जाती है 140x70। यहाँ पर आपको रेडियल टायर मिलता है ट्यूबलेस। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपको टायर अगर भी मिल जाता है जो कि ख़राब रास्तों पर हो या फिर बरसात के टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। ड्यूअल डिस्क ब्रेक और ड्यूअल चैनल ABS आप जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीट हाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सीट हाइट मिल जाती है 815 mm। तो बाइक के कर्व वेट की अगर हम बात करें तो बाइक का कर्व वेट जो है वो है 142 kg। टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 150 के आसपास इजीली टॉप स्पीड मिल जाएगी। तो शोरूम की सारी डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑन रोड प्राइस जो है हमारे यहाँ पर R15 V4 रेड कलर की यहाँ पर जो है 2,22,000 के आसपास देखने को मिल जाती है, जो कि प्राइस में जो है आपको पता ही होगा कि स्टेट बाय स्टेट डिफरेंस होता है, तो प्राइस आपके यहाँ पर जो है कम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बाइक को जो है टोटली हर एक जगह से हर एक एंगल से आप देख सकते हैं। बाइक में जो है आपको क्या अच्छा लगा, आपको तो जो है कुछ कम तो शायद मेरे सबसे लगा ही नहीं होगा। अगर आपको जो है कोई कमी लगती है या फिर अगर आप बाइक के ऑनर हो तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए, आपको बाइक से रिलेटेड जो है वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़।